नमस्कार दोस्तों, लम मंत्र उपाय YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं एकदम अनोखा वशीकरण उपाय आपके लिए लेकर आया हूं। जैसा कि मान लीजिए इसका जो परिणाम है वो कुछ ही सेकंडों में और कुछ ही पलों में होगा, इस बात का मैं दावा करता हूं, क्योंकि यह परिणाम जो यह विधि जो टोटका मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह बेहद ही खास और बेहद ही अनोखा है, जो कि आपने शायद किया भी होगा पहले ये ट्राई में, लेकिन मैं कुछ अलग से बताने जा रहा हूं और इसका परिणाम काफी खास है। मित्रों, आज का जो वशीकरण उपाय है वह किसी को पीले रंग का खाद्य पदार्थ खिलाकर अपने वश में करना। खाद्य पदार्थ से मैं आपको बता दूं, आप चाहें तो पीला फल भी ले सकते हैं, कोई भी पीला फल ले सकते हैं और पीली मिठाई भी ले सकते हैं। तो मित्रों, आपको मैं बता दूं, आप पीली मिठाई या पीला फल ले लें और इस प्रयोग को करने के लिए, और यदि आप किसी भी इस प्रयोग को आप उन पे कर सकते हैं, मान लीजिए कि आप किसी शादीशुदा स्त्री को अपने वश में करना चाहते हैं, किसी पड़ोस की भाभी को वश में करना चाहते हैं, या अपनी पड़ोसों को वश में करना चाहते हैं, किसी आंटी को अपने वश में करना चाहते हैं, तो आप शादीशुदा किसी भी स्त्री को अपने वश में आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी अन्य स्त्री को भी अपने वश में कर सकते हैं, लेकिन जिस भी स्त्री को आप वश में करना चाहते हैं उसको आपकी और उनकी थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। मान लीजिए जानकारी का मतलब जान पहचान होनी चाहिए, आपका थोड़ा बोलचाल होना चाहिए, और आप मान लीजिए कि आप उसके सामने जा सकें और आप उसे खिला पाए, उसी को आप इस प्रयोग से वश में कर सकते हैं। यह काफी अनोखा और महाशक्तिशाली वशीकरण उपाय है, और इसका जो मैं महामंत्र का प्रयोग बताऊंगा वह तो बहुत ही अटूट है, जिसका एक बार किसी पे प्रयोग कर दिया तो वह सदा सदा के लिए आपके वश में हो जाएगा। मित्रों, इसकी एक सीमा दशा भी है कि यह प्रयोग वशीकरण प्रयोग केवल और केवल 12 महीने तक ही रहता है किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी स्त्री पर, और यदि आप दोबारा से 12 महीनों बाद करना चाहे तो इसी प्रयोग को आपको फिर से दोहराना पड़ेगा। विधि बताने से पहले मित्रों, मैं आपको कहूंगा, अगर अब तक आपने हमारा लम मंत्र उपाय YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आगे चलकर हम आपको और भी टोटके मंत्र बता पाए। तो चलिए मित्रों, विधि शुरू करते हैं। विधि शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कुछ एक सावधानियां है इस प्रयोग को। आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए या किसी भी स्त्री का फायदा उठाने के लिए आप इस प्रयोग को कदापि न करें। आप चाहें कि आप अपनी मनमर्जी कर लें या किसी का फायदा उठाना चाहते, किसी को नुकसान बांटने, मतलब नकारात्मक कार्यों के लिए आप इस प्रयोग को कदापि न करें, सकारात्मक कार्यों के लिए करें। वास्तव में आप किसी का प्रेम पाना चाहते हैं और इच्छुक हैं कि आपको किसी स्त्री ने आपका मन मोह लिया और आप उससे बात किए बगैर रह नहीं पा रहे, तब आप इस प्रयोग को जरूर करें। इस विधि को करने के लिए आपको पीले रंग की मिठाई या पीले रंग का फल चाहिए। पहली बात तो आप पीले रंग की मिठाई ले लें, और वो मिठाई ले जो आपको बहुत ज्यादा पसंद हो और दूध से निर्मित हो या खोए से निर्मित हो, इन चीजों से निर्मित हो, वही मिठाई लें, और एकदम शुद्ध मिठाई लें, झूठी मिठाई न लें और ताजी मिठाई लेकर आए। आपको इस कार्य को शनिवार रात्रि को करना है। शनिवार रात्रि को 11 बजे के बाद आप इस कार्य को कर सकती हैं। आपको शनिवार के दिन या शाम संध्या के समय आप इस मिठाई को खरीद के लाएं और सफेद या काले रंग का आसन लगाकर पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाएं और नहा धोकर स्वच्छ होकर बैठे पंच अमृत, दूध, दही, शहद, गंगा जल, इन चीजों को मिलाकर आप पंचामृत से थोड़ा सा मिलाकर स्नान कर लें और मिठाई को शुद्धिकरण कर लें, छिड़काव कर दें ताकि यह शुद्ध हो जाए, और पश्चिम दिशा की तरफ मुख करके आसन लगाकर बैठें। और इस बात का खास ख्याल रखें मित्रों कि धरती के साथ, जमीन के साथ कोई भी अंग आपका न लग रहा हो और आपका मन एकदम सकारात्मक हो, और सकारात्मक सोच रखें, बाहरी विचार एकदम बंद रखें, और उसके बाद इस मंत्र का 551 बार उच्चारण करें। मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं, मंत्र यह जो स्क्रीन पर शो होगा इसी मंत्र का आपको उच्चारण करना। मंत्र इस प्रकार है, ओम नमो कट विकट घोर रूपानी अमूक से वश्य माने हु फट स्वाहा। मंत्र मैं एक बार फिर से बोलने जा रहा हूं, ओम नमो कट विकट घोर रूपानी अमूक से वश्य माने हु फट स्वाहा। इस मंत्र का आपको 551 बार उच्चारण करना होगा। 551 बार उच्चारण करने के बाद और इस मंत्र में आए अमूक शब्द की जगह आपको उस स्त्री का नाम लेना है जिस स्त्री को आप वश में करना चाहते हैं, जिसके साथ आप अपना कुछ पल बिताना चाहते हैं, जिसका प्रेम पाना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, उस स्त्री का आप अमूक शब्द की जगह मंत्र में आए अमूक शब्द की जगह नाम लें और इस कार्य को करें। उसके बाद तुरंत अपनी आंखें खोलकर इस मिठाई पे आप
अपना नाम लेते हुए 11 बार फूक मारे और फूक मारने के बाद आप इस मिठाई को अपने सराहने के पास रखकर सो जाएं और सुबह उठते ही आपको किसी बहाने से किसी भी तरीके से आपको इस मिठाई को उस स्त्री को खिलाना है। किसी भी हो सके तो आप खुद अपने हाथ से खिलाएं उनको दें तो और भी अच्छा है। यदि आप खुद नहीं दे पा रहे तो किसी भी छोटे आयु के बच्चे या बच्ची से आप उस स्त्री को इस मिठाई को खिला दें। और इस बात का खास ख्याल रखें कि इस मिठाई को अन्य किसी को नहीं खिलाना है। आप स्वयं जरूर खा सकते हैं लेकिन जिसको आप वश में करना चाहते हैं उसको ही खिलाएं, अन्य किसी को भी न खिलाएं। और उतनी ही मिठाई लें जितनी आप प्रयोग में लेना चाहते हैं। अन्य अगर बच जाती है मिठाई तो आप स्वयं खा सकते हैं या उसे जल प्रवाहित कर सकते हैं, अन्य किसी को नहीं खिलाना है। यदि आप किसी अन्य को खिलाते हैं तो आपका यह कार्य निष्फल हो जाएगा और आपको फिर से इस विधि को करना पड़ेगा। मित्रों, इस कार्य को करने से पहले आप गुरु जी से, हमारे से, मुझसे आज्ञा ले सकते हैं। आज्ञा लेकर ही आप करें। यदि आपका कोई अच्छे शास्त्री या आपके गुरु हैं तो आप उनसे आज्ञा लेकर अच्छे शास्त्री से तभी आप इस कार्य को करें। आज्ञा के बिना आप इस कार्य को न करें और सावधानी का खास ख्याल रखें। मित्रों, अगर किसी कारणवश आप इस कार्य को करने में भी विफल रहते तो आप यह कार्य मुझसे भी करवा सकते हैं। और इस मंत्र व विधि से जुड़ी अन्य जानकारी, सावधानियां जानने के लिए भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर दिया गया है। इसी के साथ इजाजत चाहता हूँ मित्रों। धन्यवाद।